नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर की भल्ला कॉलोनी में लुटेरों ने एक दुकानदार को मारी गोलियां, अस्पताल ले जाते समय हुई मौत। अमृतसर के माता गंगानगर इलाके में एक नौजवान की नशे की ओवरडोज के कारण हुई मौत। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के थाना छेरट्टा के अधीन आते भल्ला कॉलोनी के एक दुकानदार को गोलियां मारने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक ये व्यक्ति भल्ला कॉलोनी में दूध व आइसक्रीम की दुकान चलाता था और बिजली विभाग में से बड़े पद से रिटायर हुआ था। इस दौरान इलाका वासियों ने बताया कि तीन अज्ञात लुटेरे पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए। इस दौरान एक नौजवान मोटरसाइकिल पर बाहर खड़ा रहा और दो नौजवान दुकान के अंदर दाखिल हुए और कुछ सामान मांगा व लुटेरों द्वारा गले में हाथ डालने की कोशिश की गई। जब दुकानदार रजिंदर कालिया ने इसका विरोध किया तो लुटेरों ने उसे गोलियां मार दी और फरार हो गए। तो वहीं घायल दुकानदार को अस्पताल ले जाते समय उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। इलाका वासियों ने कहा कि इस घटना की वजह से इलाके में डर का माहौल बना हुआ है और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वहीं मौके पर पहुंचे ACP सरबजीत सिंह बाजवा ने कहा कि फिलहाल उनकी ओर से मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है, जल्द ही आरोपियों को काबू कर लिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। घटना है, बहु रजिंदर कुमार कालिया साहब है, बिजली बोर्ड चो SDO रिटायर है और इन्होंने वाइफ टीचर है। और 3:47 का इंसीडेंट है वा, कोई लुटेरे तीन मुंडे आए, उन्होंने मूँह बन्ने गए ही। दो मुंडे दुकान में एंटर हुए, एक मुंडा इस जगह पर मोटरसाइकिल खड़ा ही बाहर स्टार्ट करके, वो दो एक डेढ़ मिनट के उन्होंने पहला उन्होंने कहीं चीज़ मंगन की उन्होंने कुछ मंगया, उन्होंने फ्रिज कढ़ के देन लगे आदा ध्यान फ्रिज वाल गया वा, वो गला खोल के तो जो पैसे वो कैश पिया ही वो फड़न की कोशिश की, उन्होंने उन्होंने रोकने की कोशिश की। इसे जदोजहद उन्होंने उन्होंने गोली मार के वो माड़ा जहा बाहर आए आ बहर आ गए इतने थड़े के डिग पे आ और मौके पर उन्होंने मौत हो गई। किस तरह समय प्रशासन की गोलियां चल रही है? देखो ये बड़ी माड़ी गल हैगी, गल तो हैगी जिन्हों का जी चल जाता वा मुश्किल तो उन्होंने आ एक मौका वेख्या। ये रजिंदर कुमार जी है, कालिया मिल्क स्टोर इन्हों का एंड आइसक्रीम, ये बैठे थे तो तीन बंदे आए, एक बाहर खड़ा रहा, एक अंदर गया, एक दरवाजे खड़ा रहा, उन्होंने नुकरे ला के वेखण तो ऐ लगता जी जिदा कोई पैसे लुटन की खातर तो गोलियों बच गई। सर लगता नहीं कोई पुरानी रंजित का जरा मामला? देखो हूँ ये इन्वेस्टिगेशन का अगर पार्ट है, अगर हूँ परिवारक मैंबर है तो थोड़े सहमत नहीं, फिर इन्हों पुछते हैं सारा पता लगता है, जो पहला कहना रंजिश हो भी क्लीयर हो जाएगा तो बाकी हूँ अभी मौके पर आ गए सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अमृतसर के भाई मंज सिंह रोड माता गंगानगर इलाके में एक नौजवान की नशे की ओवरडोज के कारण मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक उक्त नौजवान कुछ दिन पहले इस मकान में रहने के लिए आया था। इस मौके पर मकान मालिक ने बताया कि ये नौजवान उनकी जान पहचान का था और 3 से 4 दिन पहले ही उनके पास रहने के लिए आया था, लेकिन उसकी अचानक मौत हो गई। उन्होंने इस संबंधी परिवार को सूचित कर दिया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच शुरू कर दी है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं भाई साहब 112 दे लगा, मैं 112 दे कंप्लेंट दे नाल इत्थे आण के मौके ते CSA अवतार सिंह इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो कर रहे हैं, उस तो बाद जो SHO साहब आउणगे हालात वेखणगे कार्रवाई की जाएगी। जी इत्थे मुंडे आउंदे आ, वध तों वध नशा इत्थे विकदा, शरेआम विकदा। नहीं पता सानू इस गल का, अं रात सुते हैं कि भाई कौन आता कौन नहीं आता, ये तो हूँ पता लग गया भी इतने मौत हुई है दिन पता। परिवार आ कोडम सिंह चौंकी के बैक साइड से रहा भी जी, हाली पहुंचा नहीं कोई भी नहीं आया, पुलिस पहुंच गई है, पुलिस अभी ऑनलाइन फोन किया 112 से, मैं डायल किया कंप्लेट लिखाई थी, ये 15 मिनटों तक मेरे को पहुँच गया। पुलिस की हम जा वेरीफाई करती पी है जिदे घर डैथ हुई है, वो लड़की नीतू आ, वो वेरीफाई अपना बयान दे रही है कि की कारण मौत हुई है। बिल्डिंग अपनी नीतू की कुड़ी है जिदा
ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮਾਲਕ ਉਹ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਆਇਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ 2 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਚਲ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨੇ ਆ ਹੋ ਗਏ 5-7 ਸਾਲ ਕੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਜਨ ਕੀ ਇਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਰੂਮ ਸੀ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਜੀ ਕੱਲ ਪੂਰਾ ਆਇਆ ਦਾ 1:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਿਦਰ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਤਾਏ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਢਿੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਕਹੀ ਪਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਆ ਮਾਂ ਮਾਂ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਖਵਾਈ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਵਿਕਦਾ ਵਾ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਧੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਨਸ਼ਾ संगरूर के दिड़बा में आए दिन चोरी की घटनाओं के कारण लोगों में डर का माहौल बना हुआ है जिसका ताजा मामला सामने आया है गांव जनाल में जहां चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर सोने के आभूषण व नकदी चोरी कर फरार हो गए इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित किसान बहादुर सिंह व उसके भाई गुरजीत सिंह ने बताया कि जब वे रात्रि 1:30 बजे के करीब उठे तो पता चला कि छत के ऊपर का दरवाजा तोड़कर चोरों की ओर से घटना को अंजाम दिया गया है जब उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी व ATM खुली पड़ी थी उनमें रखा 28 तोले सोना और 500 रुपये चोरी कर फरार हो गए उन्होंने बताया कि इसकी सूचना दिड़बा पुलिस को दे दी गई है उन्होंने कहा कि उनका बेटा पिछले कई वर्षों से सेना में ड्यूटी कर देश की रक्षा कर रहा है उन्होंने कहा कि चोर ऐसे घरों में चोरियां कर रहे हैं जो कि काफ़ी शर्मनाक बात है वही घटना की सूचना मिलते ही दिड़बा पुलिस के थानेदार मिठू राम मौके पर पहुँचे गए और मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट जी रात 12 बजे तो लैके 1:30 बजे तक की घटना है जो 1:30 बजे मेरी भरजाई उठी है बाथरूम कर उदू बाद उन्होंने गेट लगे हुए थे उन्होंने सानू फोन किया तो उदू बाद जो आए तो वह भज चुके से चोर तो ये साढ़ा 28 तोले सोना तो 500 रुपये चुकया गया तो दरवाजा तोड़िया इन्होंने उपर लॉबी वाला जी इटा ना भन्नी आ गई ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਡਿਊਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ FIR ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਦਿੜਬੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਘਰੇ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਲਾ ਭੇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੱਕ ਜੀ 28 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੀਤੀ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਪੇਟੀ 'ਚ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆਮ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਜਦ ਇੱਕ ਅੱਜ ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ 'ਚ ਹੈ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣੇ ਸਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜਦ 1:30 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦ ਵਿਆਹ ਲੋਕ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ विधानसभा क्षेत्र खेमकरन के अधीन आते गांव घरियाला में एक नौजवान की नशे के ओवरडोज के कारण मौत हो जाने का मामला सामने आया है इस संबंध में जानकारी देते हुए मृतक नौजवान जयमल सिंह की पत्नी गुरप्रीत कौर ने बताया कि गांव के रहने वाले 2 नौजवान उसके घर आए थे और उसके पति जयमल सिंह को अपने साथ ले गए उसके बाद उसका पति घर नहीं आया जिसके बाद उन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया इस दौरान जयमल सिंह की लाश गांव के ही एक रास्ते में पड़ी हुई मिली गुरप्रीत कौर ने आरोप लगाया कि गांव के ही रहने वाले उक्त नौजवान हर रोज जयमल सिंह को नशा करवाते थे और अब भी जयमल सिंह की नशे की ओवरडोज के कारण मौत हुई है जिस संबंध में उन्होंने पुलिस चौकी घरियाला को अवगत करवाया था लेकिन पुलिस द्वारा उक्त नौजवानों को पकड़ने की बजाय कोई कार्रवाई नहीं की जा रही जिस कारण मजबूर होकर उन्हें पुलिस चौकी घरियाला के आगे धरना लगाकर नारेबाजी करनी पड़ रही है वे मौके पर पहुंचे एंटी ड्रग एसोसिएशन पंजाब के प्रधान सतनाम सिंह मनावा ने कहा कि नशे की सरेआम सप्लाई
होती है। गांव घरियाला नशे का घर बना हुआ है और पुलिस प्रशासन नशा तस्करों को पकड़ने में असफल है, जिस कारण रोज नौजवान नशे की ओवरडोज की वजह से मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिस कारण ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं जब इस संबंध में पुलिस चौकी घरियाला में तैनात एएसआई गुरदीप सिंह से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया। भीकी विंड से हलचल के लिए भूपिंदर सिंह की रिपोर्ट। दो जने सुबह आए मुंडे खड़े आ पता नहीं की कर दिता ना अच्छा की गल आता के की करके मैंने छोड़ दिता है सड़क पे। आज मेरे छोटे छोटे बच्चे नु यहां चाहिएगा जेड़े बच्चे ने इथे साडा वीर जैमल सिंह जेड़ा गरीब परिवार ना संबंध रखदा ओनु कल इथों दो जने घरों ले गए आ और ओना नशे दा जेड़ा ओनु इंजेक्शन देता है ओदी राय डेथ हो गई आ और ओदी इन्हां लाश नूं खुरद बुरद करन दी कोशिश भी कीती आ और परिवार जिहड़ा लभदा रहा है और इन्हां फिर रस्ते च मिलिया इन्हां नूं ते फिर उत्थों चुक के लिया आ और अजे तक पुलिस नूं कल दा पता है पोस्टमार्टम भी हो रहा है पर पुलिस ने अजे तक उह बंदे अरैसट नहीं कीते उन्हां ते परचा नहीं दर्ज किया क्योंकि परिवार वेखो बाय नेम दस रहा है कि आह जिहड़े बंदिआं ने घरों खड़िया मुंडे साडे पर अजे तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं। नशे दी ओवरडोज नहीं होई है? नशे दी ओवरडोज नाल मौत। नशा तो पंजाब सरकारां दी बंद हो गया है। नशा सामने हर दूजे घर दे विच नशा है और नशा दिनों दिन वधदा जा रहा है रुकण दा नां नहीं लै रहा। इह तां दिनों दिन साडे मावां दे जिहड़े पुत है इकलौता मुंडा सी और छोटे छोटे पिछे दो बच्चे आ और उहनां दा हुण सहारा कौण है। इहदे विच जिहड़ी जैमल सिंह आ सानो हरबंस सिंह वासी घराड़ा दी अचानक जिहड़ी मौत हो गई उहदे संबंधी जो भी एसएच साहब डिप्टी साहब ने हुक्म लिया वा ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ। एपीजे स्कूल टांडा रोड जालंधर में हरियाली तीज के उपलक्ष्य में तीज महोत्सव बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया गया। इस कार्यक्रम में कक्षा नर्सरी से कक्षा दूसरी तक के छात्रों तथा उनकी माताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तो वहीं स्कूल परिसर को खूब सजाया गया। इस अवसर पर छात्रों तथा उनकी माताओं ने पंजाबी पोशाक व भूषण पहनकर बड़े उत्साह से भाग लिया। माताओं के लिए तंबोला और आकर्षक खेलों का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम का एक मुख्य आकर्षण रैंप वॉक था जिसमें भाग लेते हुए सभी छात्रों तथा माताओं ने खूब जलवे बिखेरे। इस कार्यक्रम में दो उप विजेताओं के साथ हरियाली तीज क्वीन का चयन भी हुआ। प्रत्येक कक्षा से गबरू पंजाबदा और सोहनी मुटियार का चयन किया गया। इसी के साथ माताओं ने मंच पर पंजाबी गीतों पर नृत्य भी प्रस्तुत किया। कक्षा दो की छात्राओं ने तीज से संबंधित बोलियों पर गिद्धा प्रस्तुत कर कार्यक्रम को चार चांद लगा दिए। इस उपलक्ष्य पर विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए। माताओं ने मेहंदी लगवाई तथा चूड़ियां भी चढ़ाई। वहीं स्कूल समन्वयक दीप्ति कौशल ने सभी माताओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी और विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। सत श्री अकाल। आज एपीजे स्कूल टांडा रोड जालंधर के तीज का त्यौहार मनाया गया जिस विच मेहंदी दे स्टॉल चूड़ियां दे स्टॉल ते खान पीन दे स्टॉल लगाए गए। सारे पेरेंट्स नु बुलाया गया, सारे स्टाफ ने, कोऑर्डिनेटर मैडम ने ते असी सारिया ने तीयां दे मेले का खूब आनंद माणिया। इस मौके ते मैं सारिया लिए दुआ करदी हां कि सब तीयां दे त्यौहार नु खूब आनंद नाल मनाउण ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ। कहते हैं कि एक कलाकार मर जाता है लेकिन उसकी कला लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहती है। ऐसा ही प्यार देखने को मिला था सिद्धू मूसेवाला के लिए। उनकी मौत के बाद बहुत से लोगों ने उन्हें अलग अलग तरीके से श्रद्धांजलि दी थी जिसका सिलसिला अभी भी जारी है, जिसके चलते जालंधर के एक पेंटर ने दीवार पर सिद्धू मूसेवाला की विशेष तस्वीर बनाई है जिसे देखकर आपको लगेगा कि ये तस्वीर बोल उठेगी। इस बारे में विशेष बातचीत करते हुए पेंटर जसवंत सिंह ने बताया कि उन्हें विशेष ऑर्डर मिला था
सिद्धू मूसेवाला की दीवार पर पेंटिंग बनाने का, और ये उनके लिए बेहद खास था क्योंकि वह उनका बहुत बड़ा फैन है और इससे पहले भी वह सिद्धू मूसेवाला की तस्वीरें बना चुका है। उन्होंने कहा कि कलाकारी दिल से की जाती है, जिसका वह खुद बहुत बड़ा फैन है तो उसकी तस्वीर बनाने में रूह लग जाती है और उसका नतीजा आप खुद देख सकते हैं। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। तीन शिफ्ट के काम किया, ज़्यादातर ये शिफ्ट एक दो तो तीन घंटे की सी, तो बड़ा अच्छा लगा, मतलब विशाल एक मैं बैकग्राउंड मिली सी, खुला काम करने का माहौल सी और वाइट एक कैनवस की तरह ये मैं अपने कंसैप्ट एक्सप्लेन किया, सारिया चीज़ा ये फुल फ्लैश अपने वालों मैं कोशिश की दर्शाने की। ये संधु कार केयर वालों बनाई गई है, उन्होंने मतलब जो मैं उन्होंने गलबात की कि वॉल पेंटिंग करनी है, उन्होंने मन में सीगा कि कुछ इदा का बनाया जाए जिहड़ा मतलब अच्छा लगे, तो एक मैं ये दसना चाहना कि उन्होंने लोगों की ही तस्वीर बनाई जाती है, उन्होंने लेजेंड बंद तस्वीर बनाई जाती है जेडे कि कुछ नाम रोशन करके आते दुनिया के। इस तरह जिस तरह सिद्धू मूसेवाला जी बहुत ही मशहूर कलाकार से पूरे इंटरनेशनल लैवल पर, मैं पहला भी कैनवस पर काम किया और मैं फिर दोबारा चाहता सीगा कि ये बड़ा कंसैप्ट बनाया जाए। एकता कनौजिया महासभा जालंधर छावनी की ओर से 18वां वार्षिक माँ भद्रकाली मेला बाबड़ी धर्मशाला मोहल्ला नंबर 2 जालंधर छावनी में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सुमित रानू ने माँ भद्रकाली की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर अकाली नेता हरजाप सिंह संघा, रामलीला कमेटी के प्रधान एवं भाजपा नेता शिवम शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर अध्यक्ष रोबिन कनौजिया, चेयरमैन ओम प्रकाश कनौजिया, रमेश कनौजिया, रिकी कनौजिया, साबी कनौजिया, सागर कनौजिया, राजू कनौजिया, अमिता कनौजिया, विनायक कनौजिया, आशीष कनौजिया, सीताराम कनौजिया, कनिष्क कनू सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। महासभा रजिस्टर्ड जलंधर छावनी के 18वें अज मेले के माता भद्रकाली जी के मेले दारू बधाई ने, जिते इतने चेयरमैन साहब ने, प्रधान साहब ने बहुत वधिया सारे संगत वास्ते अरेजमेंट किए हैं, इतने हुंभ मा के संगत आई हैं, मैं उन्होंने भी धनवादी हाँ। तो ये खुशी का मौका हर साल कि खुशी ना मनाते हैं, कि हुंभ मा के मनाते हैं, मैं सारियां बेनती करता कि भी हुंभ मा के पहुँचया करो, तो साथ दिया करो, माता जी का आशीर्वाद लिया करो, बहुत सोहना इन्होंने जलसा इतने लाया है। माता महाकाली का मेला बड़ी धूमधाम के साथ 18वां मेला जलंधर कैंट के अंदर मनाया जा रहा है। एकता कनौजिया महासभा की ओर से ये मेला सभी समाज के सहयोग से मनाया गया है, जिसमें पंजाब से, हरियाणा से और दूर दूर से भक्त आए हैं। मैं उन सब का तह दिल के साथ धन्यवाद करता हूँ। जय माता की, जय माता की। और मैं सवेरा टीम को भी तह दिल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो इस मेले के अंदर आकर इतना बड़ा प्रोग्राम करवाया। जय माता दी।
अज जो माँ भद्रकाली का मेला एकता कनौजिया महासभा वालों कराया जा रहा है, वो मैं सारे कैंट वासियों ते कमेटी वासियों बहुत बहुत बधाई देना। सावन माह के उपलक्ष्य में सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन प्रांगण में श्रृंखलाबद्ध माता की चौकियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आयोजित माता की चौकी में संजीव बाबा एंड पार्टी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस चौकी की शुरुआत भजन गायक विजय गौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर की। इस मौके पर श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, उपाध्यक्ष ललित गुप्ता, सीए वीएम अरोड़ा, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा, भूषण कोहली, पवन मेहता सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है, जिसके 34वें दिन सुबह पहले रामायण जी के पाठ का उच्चारण और सामूहिक सुंदरकांड के पाठ किए गए, जिसके पश्चात सायं 4 बजे भजन संकीर्तन मंडली ने मनमोहक भजनों का गुणगान एवं श्री हरि नाम संकीर्तन कर भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी और स्वामी अजयानंद महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। तुरंत बृहस्पति ने डांटा कि देखो जल्दी से भूमि पर लेटो, प्रणाम करो। इंद्र भूमि पर अस्त्र शस्त्र छोड़कर लेट गए, हाथ जोड़ लिए, तो उस ज्वाला ने इंद्र को जलाया तो नहीं, इंद्र के चारों ओर घूमने लगे कि जब ये खड़े हो इनको हम भस्म कर दें। लेकिन गुरुओं की कितनी कृपा है, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। बृहस्पति ने भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये स्वर्ग का देवता है, इसे अभिमान आ गया और इसने वज्र चला दिया, आप कृपा करो, आप बड़े दयालु हो, इंद्र के प्राण की रक्षा हो जाए। Thank you.
परम दयालु माँ भगवती जगदम्बा त्रिपुर मालिनी की कृपा से सिद्धपीठ देवी तालाब मंदिर में 40 दिवसीय जयंती महामहोत्सव मनाया जा रहा है। परम दयालु गोस्वामी तुलसी महाराज जी की कृपा करने से दिन प्रतिदिन अनेकों ही महापुरुषों का आगमन हो रहा है। अयोध्या धाम से पधारे हुए परम पूज्य परमादनीय श्री रामानंद दास महाराज जी साई 5 बजे से 8 बजे तक श्री राम कथा का श्रवण करा रहे हैं। इसी बीच में अनेकों अनेक वैष्णव महापुरुषों का दर्शन प्राप्त होता है। 23 तारीख को हमारे गौड़िया मठ के परमाध्यक्ष परम पूज्य परमादनीय श्री वैष्णवाचार्य विष्णु महाराज जी का पधारना होगा। साई 8 बजे से उनका हरि नाम संकीर्तन सत्संग का सभी प्रभु प्रेमीजन लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करें। जय श्री राम, जय गो माता। रमेश कोहली जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं, उनकी आत्मिक शांति के लिए रखे गए पाठ का भोग एवं रस्म पगड़ी श्री महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जालंधर में संपन्न हुई। इस अवसर पर पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय रमेश कोहली की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस अवसर पर मेयर जगदीश राज राजा, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पार्षद तरसेम लखोत्रा, योगेश मल्होत्रा, लक्की मल्होत्रा, जोली बेदी सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय रमेश कोहली को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। बरनाला के भदौड़ कस्बे के सरकारी अस्पताल में गुंडागर्दी का नंगा नाच हुआ है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में दो गुट एक दूसरे पर तेजधार हथियार से वार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक युवक की जमकर पिटाई की जा रही है। यह मामला भदौड़ में दो गुटों के बीच हुई मारपीट का है। पहले दिन में दो गुटों में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद जख्मी हुए व्यक्ति भदौड़ के सरकारी अस्पताल में दाखिल हो गए। अस्पताल पहुंचते ही दोनों गुटों के लोग फिर आपस में भिड़ गए और अस्पताल में गुंडागर्दी की गई। दोनों गुटों में से एक को फरीदकोट रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। इस संबंधी DSP तपा मानवजीत सिंह ने बताया कि उनकी पुलिस पार्टी मौके पर पहुंच गई है, जिनके द्वारा माहौल को शांतिपूर्ण बनाया गया। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।
जिसके बाद पुलिस जांच कर बनती कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि मारपीट में एक पक्ष से एक और दूसरे पक्ष से दो लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी कानून हाथ में लेकर माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। ये थाना भदौड़ दे विच सानू एक इनफॉर्मेशन रिसीव हुई कल रात कि उत्थे लड़ाई झगड़ा होया दो धिर दे विच, एक लखवीर सिंह एंड पार्टी है, एक दीपक सिंह एंड पार्टी है। ये दोवें धिर का किसी आपसी किसी रंजिश करके इन्हों का आपस झगड़ा होया ते झगड़े कारण यह सिविल हॉस्पिटल बरनाला भदौड़ विखे दाखिल होए ते उस तो बाद इन दोनों धिर दे विच उत्थे फिर दोबारा झगड़ा होया ते जिस दे संबंध विच यह अगे एक धिर नूं रैफर कर दिता गया जो कि सिविल हॉस्पिटल बरनाला तो बाद फरीदकोट विखे दाखिल ने ते एक धिर उत्थे सिविल हॉस्पिटल भदौड़ विच दाखिल है। तो ये हुण साढ़े जिहड़े आईओ हैगे ने उत्थे मौके ते कल रात पहुँच के सीगे, जो लड़ाई झगड़ा होया सीगा उस नूं उन्होंने विच आ के इंटरवीन करके रोकिया ते हुण असीं उन्हां दी स्टेटमेंट्स लै रहे हां। जो उन्हां दी स्टेटमेंट्स होणगीआं उस स्टेटमेंट दे बेसिस ते वो दसनगे कि इंसीडेंट होया हैगा, उस बेसिस ते जिहड़ी मुढ़ली पड़ताल है उस बेसिस ते जिहड़ी बनदी कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लियांदी जाऊगी। मेरे भरा ने जिहड़ा एडमिट सी दीपक नाम दा रात नूं सट मारी सी, उन्हें पानी पीना सी, मैं पानी लैन गया बाहर जी, फिर बाहर पानी लैन गया जी है ना जी, पर मैंने 10 बंदे ने इकट्ठा ने फड़ लिया बाहर जी, पिछों एक बंदे ने चक के बाहर लै गया जी, 10 बंदे ने मिल के कुटा मैंने बाहर। जो मैं छड़ा के भजया अंदर उदो मेरे अजय भरा भी फड़ लिया उत्थे अंदर, उन्हें भी कुटन लग गया फड़ के। हाँ जी फरीद, हाँ जी वो मेरा भरा सी, उन्होंने उत्थे सारे ने मिल के कुटे अंदर हॉस्पिटल के पड़ के। हाँ जी वह फरीदकोट है। फरीद मेरा नाम सत्ता जी लखनी सिंह सत्ता जी, मैंने मुंडा ने कुटा जी तीन दिन। अच्छा कि जगह तो है? सदावट से। किन्ने बंदे से कुटन वाले? 15-16 जने थे। अच्छा कोई लागड़ तो कोई नहीं, शहर फैक्टर है या हाँ जी हाँ फैक्टर है। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। अमृतसर की भल्ला कॉलोनी में लुटेरों ने एक दुकानदार को मारी गोलियां, अस्पताल ले जाते समय हुई मौत। अमृतसर के माता गंगानगर इलाके में एक नौजवान की नशे की ओवरडोज के कारण हुई मौत। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल। Oh,